बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 इम्तियाज़ मेमोरियल एकेडमी खैरपुर। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, टुडे वी विल लर्न चैप्टर 5 अ विजिट टू द म्यूजियम। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अ म्यूजियम इज अ प्लेस वेयर यू कैन सी अ कलेक्शन ऑफ रेयर एंड यूनिक थिंग्स अंडर वन रूफ। अजायब घर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप बड़ी नायाब और अनोखी किस्म की चीज़ें एक ही छत के नीचे आप देख सकते हैं। पीपल हु हैव इंटरेस्ट इन हिस्टोरिकल थिंग्स ऑफन विजिट अ म्यूज़ियम। वो लोग जिनको पुरानी चीज़ों में दिलचस्पी होती है अक्सर अजायब घर की सैर को जाते हैं। इट इज़ अ लार्ज बिल्डिंग दैट स्टोर्स एंड कंटेन्स एंशियंट थिंग्स ऑफ द पास्ट एंड वैल्यूएबल थिंग्स ऑफ द प्रेजेंट। ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जिसमें स्टोर होते हैं और इन स्टोर्स के अंदर पुराने ज़माने की कदीम कीमती चीज़ें और मौजूदा ज़माने की कीमती चीज़ें वहाँ पर रखी जाती हैं। लास्ट मंडे माई स्कूल अरेंज अ विजिट टू द लाहौर म्यूज़ियम। पिछली सोमवार को हमारे स्कूल ने लाहौर म्यूज़ियम की सैर का प्रोग्राम बनाया। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द माल रोड। ये माल रोड के ऊपर है। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड एज आई हैड नेवर विजिटेड अ म्यूज़ियम बिफोर। मैं बहुत खुश था क्योंकि इससे पहले मैंने कभी अजायब घर की सैर नहीं की। वी अराइव्ड एट द म्यूज़ियम एट अराउंड 1 AM। हम तकरीबन 10 बजे म्यूज़ियम पे पहुंच गए। आवर प्रिंसिपल एंड टीचर्स वेंट अलॉन्ग विद अस। हमारी प्रिंसिपल और हमारी टीचर्स भी हमारे साथ थे। व्हेन आई एंटर्ड द म्यूज़ियम डोर आई वाज अमेज्ड टू सी मैनी थिंग्स इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे ही मैं म्यूज़ियम के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ मैं हैरान रह गया। बहुत सी बेहतरीन और हैरान कर देने वाली चीज़ें मेरे सामने मौजूद थी। आई फेल्ट एज इफ आई हैड एंटर्ड अ वर्ल्ड ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन आर्ट एंड कल्चर। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मैं किसी कदीम तहजीब में किसी कदीम फ़न और सकाफत के अंदर चला गया हूँ। द म्यूज़ियम कंसिस्टेड ऑफ मैनी बिग हॉल्स एंड गैलरीज। अजायब घर बहुत से बड़े हालों और गैलरीज के ऊपर मुश्तमिल है। दीज गैलरीज हैव डिफरेंट नेम्स अकॉर्डिंग टू द वैरायटी ऑफ थिंग्स प्लेस्ड इन देम। इन गैलरीज को फिर आगे मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं जो उनके अंदर पुरानी चीज़ें पड़ी हैं। उन नामों की बुनियाद पे गैलरीज को भी नाम दे दिए गए हैं। ऑन एंटरिंग द म्यूज़ियम आई फर्स्ट सॉ अ गैलरी ऑफ पेंटिंग्स। म्यूज़ियम में दाखिल होते ही पहली जो चीज़ है वो पेंटिंग्स वाली गैलरी मैंने देखी है। व्हाट एन इम्प्रेसिव व्यू ऑफ पेंटिंग्स। बड़ा मुतासिर कुन नज़ारा था उन पेंटिंग्स का, उन तस्वीर का। ईच एंड एवरी पेंटिंग गेव इट्स ऑन मैसेज। उनमें से हर एक जितनी भी वो तस्वीरें थी कोई ना कोई एक पैगाम दे रही थी। द टैलेंट ऑफ द पेंटर्स हु पेंटेड दीज पेंटिंग्स वॉज विदाउट डाउट वेरी स्पेशल। और बग़ैर किसी शक व शुबे के उन पेंटर्स का टैलेंट जिन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई हैं वो काबिल तारीफ़ है। बहुत ज़बरदस्त उनका टैलेंट था ये। आफ्टर दैट आई वेंट टू द इस्लामिक गैलरी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं इस्लामी गैलरी की तरफ गया। आई वॉज सरप्राइज टू सी द क्रिएटिविटी ऑफ द मुस्लिम्स फ्राम अराउंड द वर्ल्ड। और मैं मुसलमानों की तख्लीकी सलाहियत पूरी दुनिया के अंदर उसको देख के हैरान रह गया। सूरह यासीन फ्रॉम द होली कुरान कैलीग्राफ्ड बाय अ फेमस आर्टिस्ट नॉन एज सादिकैन वॉज डिस्प्लेड। एक बड़े मशहूर ज़माना कैलीग्राफर थे सादिकैन, उनकी की हुई कैलीग्राफी सूरह यासीन शरीफ जो कुरान पाक की एक सूरत है वो भी वहाँ पर मौजूद थी। ऑन टर्निंग राइट दाएँ जाने मुड़े तो आई सॉ शोकेसेस विच शोड मुस्लिम आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। तो दाएँ जाने मैंने शोकेस देखे जिसमें मुसलमानों के बनाए हुए फनपारे और दस्तकारियाँ थीं। दीज इंक्लूडेड एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक्स शॉल्स फुटवेयर ज्वेलरी एंड प्लेन एंड प्रिंटेड पोर्ट्रे। उसके अंदर वो बताए बहुत सी और चीज़ें थी, कढ़ाई की हुए फैब्रिक शॉल्स और जूते वगैरह जेवरात, फिर मिट्टी के बर्तन कुछ पेंट किए हुए कुछ सादे किस्म के, बहुत सी चीज़ें मुसलमानों की सकाफत दिखा रही थी।
A large carpet made during the era of the Mughal Emperor Shah Jahan was displayed in this gallery. जो मुग़ल बादशाह था शाहजहां उसके ज़माने का उसके महल का एक कालीन भी वहाँ पे रखा हुआ उन्होंने. Information given on every showcase helped me to understand about every object displayed in the gallery. जो चीज़ें गैलरी के अंदर रखी हुई थी उनके साथ साथ उन्होंने इंफॉर्मेशन लिख के भी शोकेस पे लगाई हुई थी, वो बड़ी हेल्पफुल हो रही थी तमाम चीज़ों के बारे में मालूमात इकट्ठी करने के लिए. I saw a few more galleries on the ground floor and then went upstairs to the first floor. मैंने कुछ और galleries भी नीचे पहली मंजिल पे देखी, उसके बाद मैं सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल पे चला गया. Some more surprises were waiting for me there. कुछ मजीद जो हैं वो हैरानियाँ इंकशाफात मेरे वहाँ पे इंतज़ार कर रही थी. One of the galleries was telling a story of the struggle for freedom of Muslims with the help of paintings, photographs and newspaper cuttings. एक गैलरी जो है वो मुसलमानों की तहरीक आज़ादी के मुतलक बहुत सी इंफॉर्मेशन वो बता रही थी, तस्वीर मुख्तलिफ और अखबारी खाके तराशे जो है उनको काट के वहाँ पे रखा हुआ था. तो जो मुसलमानों ने जैसे आज़ादी हासिल की थी उसकी तस्वीर कशी वो गैलरी कर रही थी. देर वर पिक्चर्स ऑफ कायदे आज़म एंड आवर ग्रेट पोइट अल्लामा मोहम्मद इकबाल. वहाँ पे कायदे आज़म और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की भी तस्वीर थी. व्हाट मैग्निफिशेंट एंड सोफिस्टिकेटेड पर्सनैलिटीज दे वर. वो लोग कितने शानदार और नफीस किस्म के इंसान थे. एट द एंड ऑफ दिस गैलरी पिक्चर्स ऑफ मार्टायर्स फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी मेड अस सो प्राउड. गैलरी के आखिर पे पाक फ़ौज के शहादा की तस्वीरें थीं जिन्होंने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया. Those were our heroes. वो हमारे heroes थे. Next I visited a section showing collection of coins. उसके बाद मैं एक ऐसे section की तरफ गया जहाँ पे सिक्कों की बहुत ज़्यादा जमा किए गए थे, पुराने ज़माने के जो सिक्के थे. The Lahore Museum has one of the greatest collection of coins. लाहौर म्यूज़ियम में बहुत बड़ी एक तादाद है जमा किए हुए सिक्कों की. These collections displayed some of the oldest coins, including the one used in the era of Mughals, Sikhs and the British. ये जो जमा किए गए सिक्के हैं इनमें मुसलमान ज़माने के, मुग़ल ज़माने के, सिखों के और बरतानिया यानी अंग्रेज़ दौर के सिक्के भी शामिल हैं. Finally, I came downstairs and visited a few more sections in the museum. आखिर में मैं सीढ़ियों से नीचे आया और कुछ और सेक्शंस अजायब घर के मैंने देखे. I saw a fine collection of stamps, statues, handicrafts, weapons, wooden furniture and stuffed animals. मैंने वहाँ पे आके बहुत बड़ी एक तादाद देखी जो मोरें थीं, मुख्तलिफ स्टैम्प्स जमा की हुई, फिर मुजस्मे, दस्तकारियाँ, हथियार, लकड़ी का फर्नीचर एंड स्टफ्ड एनिमल्स. एक तो होता है बच्चों वो मुख्तलिफ एनिमल्स के खाके बना के और मुजस्मे से रखते हैं, दूसरा स्टफ्ड एनिमल्स ये भरे हुए जानवर, इनकी खाल के अंदर वो कुछ केमिकल और चीज़ें भर देते हैं और इनको जो स्किन होती है उसको महफूज कर लेते हैं म्यूज़ियम में. आई वॉक्ड अराउंड द म्यूज़ियम विद माई क्लास फेलोज फॉर अबाउट 3 hours. मैं अपने क्लास फेलोज के साथ 3 घंटे तक अजायब घर में घूमता रहा. Soon it was time to go back. Jaldi wapsi ka waqt ho gaya. After leaving the museum, I gained a great wealth of knowledge. Ajayib ghar se nikalne ke baad, maine wahan se ilm ki ek bahut badi daulat ikatthi kar li thi. The Lahore Museum was worth the visit. Lahore ka ajayib ghar waqai dekhe jane ke qabil hai. आई विल श्योरली विजिट इट अगेन. मैं ज़रूर यहाँ दोबारा आऊँगा देखने, दोबारा सैर करने विद माई फैमिली इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से कभी अपने फैमिली वालों के साथ.